हो गई है, तो इसमें पेट्रोल अभी डाल नहीं सकता क्योंकि नहीं तो आग लगने का डर है। यार देखना इस नदी का पानी जो है कितना नीला है। नहीं ये जो सामने बस वाला है ना और ये बगल में ट्रक वाला है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को हॉर्न दे रहे, दोनों के दोनों पैण करते हुए एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं कि मैं तेरे से आगे निकलूँगा, मैं तेरे से आगे। यार क्या सही पानी है। नहीं मेरे ख्याल से यही पानी था वो। हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर अब हिमाचल में है, अब चलेगी पहाड़ पे राइड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। चलो भाई राइड स्टार्ट कर दिया मैंने, अब हम जा रहे हैं कसोल की तरफ। सुबह के 4 बजे, लेकिन लेकिन क्या था, हाँ सुबह के 4 बजे कोई है नहीं मेरे अलावा, क्योंकि कोई होगा भी नहीं, क्योंकि किसी को जाने की इच्छा ही नहीं थी। लेकिन हम जाएंगे। क्या देख रहा अंकल? श्री राम बाबा की, ओम अक्षर नमः, ओम अक्षर नमः। ये मेरी बाइक देखो सेक्सी लग रही है ना, लग रही है ना सेक्सी, लग रही है ना कि हाँ राइड पे जा रहा हूँ, ऐसी लगेगी, लगनी भी चाहिए। ज़्यादा दस लगे शायद। चलो भाई हो गए रेडी, चलो यूट्यूब स्टार्ट कर लिया है मैंने। वी आर इन द नेशनल हाईवे NH 48 एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सोना, क्या बोलते हैं उसको हरियाणा में, क्या होता है सोनीपत, हाँ टूवर्ड द सोनीपत, सोनीपत से फिर मैं अब जाऊँगा पानीपत, पानीपत से आगे चंडीगढ़ की तरफ में, फिर उसके बाद में तो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ये है नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे रात का रास्ता है, ये रात का तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ 4:30 बजे का रास्ता है, 4:30 बजे ऐसा दिखता है, 4:30 बजे ये सब चीज़ें चलती है, तो इन लोगों से बच के रहना चाहिए, साइड में करके रखना चाहिए और ज़्यादा स्पीड को करना नहीं चाहिए आगे की तरफ। सुबह हो गई है, सुबह सुबह धीरे धीरे होती जा रही है, मैं शायद टीकरी बॉर्डर के पास में पहुंच गया हूं, ये हमारा देश का झंडा, वाह जय हिंद। हट बैठे भाई, चाय पीने के लिए आ गए हम लोग इस ढाबे पे, अब चाय पीऊंगा इस ढाबे पे, फिर बाद में देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, पहले थोड़ी सी चाय उसके बाद में कुछ और, तब तक के लिए हम चाय पीते। हम आ गए जमींदारा हवेली, इस हवेली में खाना खाते हैं हम, मेरे ख्याल से मैं इसमें पहले भी आया हूँ शायद, नहीं कहाँ खड़ी करूँ, ये बात भी सही है कहाँ खड़ी करूँ, छैम लगाने का मन था मेरा। ये लो पहाड़ की चढ़ाई हो गई स्टार्ट, अब हम हैं यहाँ पर, हम कहाँ पर हैं यहाँ पर, अब हिमाचल में, अब चलेगी पहाड़ पे राइड।
यार ये कितना मस्त लग रहा नहीं। वैसे इन पहाड़ों की कटाई करते हैं ना जब ये लोग, और बगल में जो ये सरिये से पलस्तर सरिये का और ये एक तरीके का लेंटर सा डाल देते हैं इसके ऊपर में, ताकि बारिश में जब आती है तो ये पहाड़ जब वो एक कटता है ना बीचों से बारिश के रिसने से, पानी के रिसने से तो कट जाता है बीचों से पहाड़। उसके कारण से क्या होता है, पहाड़ जो है वो रोड के ऊपर आगे गिर जाता पूरा पूरा। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा, ये लोग कटेगा तो नहीं लेकिन गिरने नहीं देगा पूरे पहाड़ को, नीचे से नहीं गिरने देगा, ऊपर से भलाई गिर जाए वो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक ये लोगों ने ये किया हुआ ना, अब हमें ध्यान से चलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब ये वन वे है। वन वे का मतलब यही है कि हमें अपनी लाइन में चलानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं पहाड़ की चढ़ाई। अब एक एक गियर डाउन करो, एक गियर चढ़ाओ, फिर थोड़ी सुंदर नगर है भाई ये। और ये सुंदर नगर पता नहीं क्या झील सी है, देख लो झील। और कुछ तो दिखा नहीं अभी तक दिखाया तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन ये भी देख लो कुल्फी। हाँ जुल्फिकार यार, क्या सही पानी है। नहीं मेरे ख्याल से यही पानी था वो जो मैं देख रहा था। नहीं कितना ठंडा पानी होगा ये पता भी नहीं, ये भी या ये भी नहीं पता ये गंदा पानी है या फिर साफ पानी है। नहीं सही है यार, सही लग रहा है, कितना मस्त लग रहा। नहीं पूरा नीला ही नीला पानी है। चलो फिलहाल हम तो जाएंगे आगे की तरफ, ये दिखा दिया काफ़ी है, मस्त है। हम जाएंगे आगे तरफ में। चल मेरे धन्नो, यार अभी तक ना क्या बोलते हैं हिमाचल आया नहीं लग रहा है। वैसे ना रास्ता बढ़िया मस्त है, एक बात तो कहूँगा मैं, आता फिरता चलता हुआ रास्ता जो है ना वो मस्त है। बीच में ना गाय एक बैठ गई थी, गाय ऐसे चल रही है बीच में बैठी हुई और चल रही है जैसे कि उनका राज है इस रोड के ऊपर में, ऐसे चल रही थी। और वैसे हमारे बगल में ये पता नहीं कौन सी नदी है, नदी का नाम तो पता नहीं मेरे को क्या नाम है इसका, लेकिन मस्त लग रही है। करसोंग, चिंदी, मंडी, मांडी, वाह। अच्छा तो हमें सीधे जाना है क्योंकि हमारी मैडम बोल देती, गूगल वाली मैडम बोल देती अगर टेढ़े मेढ़े जाना होता तो, गूगल मैडम ने कुछ कहा नहीं तो मतलब सीधे ही जाना फिर तो, गूगल वाली मैडम ने बोला तो सीधे ही जाएंगे फिर तो, मैडम ने बोला था नहीं कुछ ही कैसे। अरे किस चीज़ का जाम लगा के रखे, निकाल निकाल निकल जाएंगे तो, ये बात भी सही है। निकल गए ओ बेटे की जान तेरे भी।
यार दो पंजाबी भाई मिले थे मेरे को, दो नहीं एक्चुअली चार पंजाबी भाई थे, लेकिन यार क्या मस्त बंदे थे यार वो, मतलब राइड करने के लिए निकले हैं यार अपनी अपनी बाइक पे घूमने के लिए पंजाब के थे चंडीगढ़ साइड के। क्या बात है यार, मतलब लोगों को यार घूमने फिरने का इतना ज़्यादा शौक है, क्रेज़ है लोगों पे जब भी थोड़ा सा टाइम निकलता है। इनका फेस्टिवल है शायद कोई, देखो हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव, जय माता की शायद हिमाचल का कोई फेस्टिवल है माता को लेके। लेकिन हमें नॉलेज नहीं उस चीज़ के बारे में तो बता नहीं पाऊँगा ज़्यादा, तो क्या ही बोलूँ। धार्मिक भावनाएं हैं हमारे देश में बहुत ही पवित्र, मटन मिल जाए कि अच्छा लगे। मेरे को तो कैंप में रहना है, तो कैंप ढूंढना मेरे को, अगर मेरे को कैंप नज़दीक मिल गया तो उस कैंप में ही स्टे कर लूँ। शिट मैन, बर्फ वाले पहाड़ हैं, बर्फ वाले सामने, शिट मैन यार बर्फ है सामने पहाड़ों के, बर्फ है उस पहाड़ पे, कितना खूबसूरत है यार, मतलब कि वाह। गजब यार गजब गजब है भाई यार। सामने वाला जो पहाड़ है पीछे की तरफ, उस पर बर्फ़ जमी हुई है आज भी, और कहाँ हम दिल्ली में गर्मी में सह रहे हैं गर्मी। वाह यार एक अजीब नज़ारा मिल गया मेरे को, गर्मी से छुटकारा और एक बेहद खूबसूरत पल दिन, खूबसूरत। पता नहीं मेरे को ये रास्ता कितनी देर की वीडियो बना दी मैंने शायद, लेकिन वीडियो में दम है यार इसमें जगह में। दिस इज ब्लॉग अपडेट एंड आई एम इन द टेंट इन द कैंप, दिस इज माय कैंप। दोस्त हैं मेरे राइड्स में, ये सब चीज़ें भैया आपके कैंप का नाम क्या है? टॉयलेट कैंप सेंट कैप है भैया का, टॉयलेट कैंप कैप है, काफ़ी अच्छा कैंप है और बजटेड कैंप है। हमारे नए दोस्त मिले हैं, हमें नए दोस्त मिले। हेलो, आज का रात जो है हाँ
एक पूरी बातचीत करके रहेंगे साथ में, एक साथ घूमेंगे, कल भी घूमेंगे, कल भी दो दिन, पूरे तीन दिन तक दोनों साथ में हम। हाँ हाँ हाँ।